सारे भाइयों राम राम। फिलहाल सिरसा पहुंच लिए हैं। पहले आपको खनौरी से रिपोर्ट दिखाई थी, अब घग्गर नदी का पानी जो है वो सिरसा को भी क्रॉस कर चुका है। ये रोड जो आप देख पा रहे हैं ये फिलहाल डबवाली जा रहा है और यहाँ पे पुल है, इस पुल को खाली करवा दिया गया है कि भाई इस पुल के ऊपर कोई भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इस पुल के ऊपर शायद दरार आ रखी है। ये देख पा रहे हैं ये जो दरार है ये एक बड़ा खामियाजा, इसका भुगतना पड़ सकता है। कैमरा मैन ने कहूंगा उर्ला पास आएगा दिखा दे भाई फटाफट करके। ये देख पा रहे हैं आप फिलहाल इस रोड को बंद करवा दिया गया है, सिंगल वे करवा दिया गया, गाड़ी बीच में अड़ा दिया, सबल कह दिया है कि कोई भी मानस इस पुल को ऊपर नहीं चढ़ेगा। उसका है कि भाई पानी का दबाव ज्यादा हो जिसकी वजह से पुल जो है वो टूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ा खतरा हो जाए। इधर आप देख पा रहे हैं सारा का सारा पानी वही टोहाना साइड से होके खनौरी की तरफ से होकर सारा का सारा ये सिरसा की तरफ इस बेल्ट के अंदर आ चुका है। ये पानी आप देख पा रहे हैं फिलहाल हद से भी ज्यादा पानी यहाँ पे बढ़ चुका है। सन 1993 के अंदर बताया जा रहा है कि पहले एक बार बाढ़ आई थी और उसके बाद में आज नेट 30 साल के बाद में 2023 के अंदर ये आज बाढ़ देखने को नजर आई है। दिखा दे भाई एक बारी पानी का फ्लो आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा गहराई से यहाँ पे पानी चल रहा है और रास्ते को सिंगल वे करवा दिया गया है। ये देख पा रहे हैं उनको पुन से लोगों से अपील कर दी गई भाई कि आप पुल से परला पासा खड़े उड़ा बीच के अंदर मत आना है, क्योंकि अगर ये पुल टूट जाता है तो जान माल का नुकसान हो सकता है। फिलहाल मौके के ऊपर काफी लोग हैं, इनसे जरूर बातचीत कर लेंगे आप एक बारी। हाँ जी भाई साहब कहाँ से हो? यही गांव है जी हमारा जी, मीरपुर गांव है जी। हमारी फसलें सारी डूब चुकी है, लगभग 4-5 हजार एरिया डूब चुका है हमारे गांव का। हाँ जी आगे बांध को भी खतरा है, इससे सरसे को भी नुकसान हो सकता है। फसल तो गई जोन से, उसके साथ साथ में जोन से डांगर है अपने जानवर है वे भी सारे के साथ, उनको भी काफी नुकसान है। आदमी तो चलो इधर उधर जा सकते हैं लेकिन पशुओं का बहुत ज्यादा नुकसान है जी। आइडिया कितने एक गांव जो वो तबाह हो गई इसकी वजह से? इसकी वजह से पीछे काफी गांव तबाह हुए हैं, आगे ये पानी ये जो टूटा है आज मीरपुर में बांध टूटा है, ये लगभग ऑटो तक पानी जाएगा इसका। ये मीरपुर में बांध टूट चुका है? हाँ ये बांध टूट चुका है, आगे फसलें सारी बर्बाद हो चुकी है। ये बंदा है ना भाई, एक बांध जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया था और वो बांध जो है वो टूट चुका है। मैं कहूँगा कैमरा मैन ने एक बार परला पासा तो दिखा दे भाई, परला पासा जो है वो बांध टूट चुका है और पानी जो है वो गांव की तरफ चल दिया है। ये दिखाना है ना बांध को दिखाना है तो आप परली तरफ जाओ, उधर पानी है। एक बार फिर बरसात का मौसम हो लिया, बरसात फिर आ चुकी है, पहले डी ले दी कुन पड़े दियर राम। एक बार फिर देख लो काले काले बादल देखे फिर आ लिया उरे बरसात कण खातर। दिखा दे भाई परला पासा, पहले इतना पानी है ऊपर आप बादल देख पा रहे हैं, बादल दिखा दे भाई, ये देख लो आप ऊपर देख पा रहे हैं और हालात जो है वो बिल्कुल नाजुक है सिरसा के अंदर। और फिलहाल इस वीडियो खुल के शेयर करें आप, ये देख पा रहे हैं तो पुलिस जो है वो ऑन ड्यूटी है, सेवा सुरक्षा और सहयोग के अंदर लगी हुई है कि भाई कोई भी व्यक्ति इस पुल के ऊपर ना जाए अन्यथा गलती हो सकती है। भाई साहब बैठे हैं ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिलहाल माइक हाथ में ले रखे है भाई ने और बड़ी अपील कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कह रहे हो आप, क्या अपील कर रहे हो लोगों से? भाई इस पुल से दूर हो जाए, यहाँ खतरा है, ऊपर से मौसम भी खराब है जी, पुल से दूर चले जाएं, अपने घर चले जाएं, सेफ्टी जरूरी है भाई। यानी कि पुल को गिरने का भी खतरा है, हो सकता है? ना 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 ऐसी तो कोई बात नहीं, ये जो दरार है इतनी तो पुल में छोड़ी भी जाती है, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है इस चीज का, पर सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी जरूरी है यानी कि ये अंदर की बात है, बस इतना बताए उड़ा बहुत होया करे भाई, सेफ्टी जरूरी है, किसी भी वक्त गड़बड़ हो सकती है। ला भाई फिलहाल नाई की गाड़ी को बंद कर दिया है। अरे इधर, हाँ जी भाई साहब आपने गिला है जी, भाई साहब कहाँ से हो? कहाँ से भाई साहब? हम तो बंगू से हैं भाई। पानी देखने आए हो? पानी तो सरसा गए थे देखने के लिए, खड़के हुआ भी पानी बहुत ज्यादा है, फैल गया है पानी सारे पास। कितना नुकसान हो गया? हमारा तो कोई नुकसान नहीं, हमारा साइड में रह जाता है, गांव साइड में रह जाता है। ओके आज एक बारी बांध दिखा दूंगा, तारलक जोन से एक छोटा सा बांध लगाया गया था, वो बांध टूट लिया है और पानी जो है वो दुर्लभ आपको जा लिया। आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ भाई एक बारी आ जा, ये देख लो यो बांध लगा दिया गया था उरला पासा ताकि यो पानी जो है ये उरला पासा क्रॉस नहीं करे, लेकिन उसके बावजूद ये देख लो सारा का सारा ये बांध जो है ये टूट चुका है। ये हालात है ग्राउंड के ऊपर, ये देख लो ये यहाँ से जो नाका जो ये टूटा है सारा का सारा पानी भाग गया गामा में जाओगा और यह नदी जो है ये लगभग 35-40 फुट जो है वो बताई जाने लग रही है कि भाई 35-40 फुट जो है वो ये नदी है डूंगी।
गहराई इसकी, और उसके बावजूद भी ये पानी जो पूरा उफान के ऊपर चलने लग रहा है। इसका मतलब ये है कि सिरसा के अंदर पूरा खतरा जो है वो यहाँ पे ज़रूर है। आने जाने के लिए वन वे कर दिया है, परला रोड के ऊपर जाना खतरनाक हो सकता है। बाकी आप इसको किस प्रकार देखते कमेंट में जवाब देना मत भूलिएगा, वीडियो ने खुल के शेयर करो। सिरसा भी जो है वो लगभग हो सकता है बाढ़ की चपेट के अंदर, तो आ ही रखा है लेकिन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ऊपर तो है रामकानी देख लो, एक बार राम जमा काला पीला होया खड़ा है, किसी भी टाइम पर कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।